आप सबका स्वागत है ईशा किचन में। आज मैं आपको होममेड ईस्ट बनाना सिखा रही हूँ। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसमें आपको दही, मैदा, चीनी और गुनगुना पानी और शहद चाहिए। सबसे पहले आप दही 2 चम्मच ले लें। उसके बाद मैदा भी 2 चम्मच, उसके बाद चीनी 1 चम्मच, फिर शहद 1 चम्मच। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद पानी डालें। ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। इसके बाद जब ये ऐसा हो जाए, आपको इसको कहीं गर्म जगह में जैसे माइक्रोवेव या कहीं और ढक के रखना है 12 घंटे तक। हे फ्रेंड्स, तब मैं अब 12 घंटे बाद ये कैसा होगा मैं वो दिखाती हूँ। तो 12 घंटे बाद इसको कुछ ऐसा होना चाहिए। अब ये खमीर तैयार है। अब आप इसको ब्रेड, पिज़्ज़ा, पाव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आपको कुछ ऐसे कांच के डब्बे में इसको स्टोर करके आप फ्रिज में 1 वीक तक रख सकते हैं। थैंक यू।